किशनगंज से आ रही है, जहां पर किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। एनजेपी से सियालदह जा रही ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। रंगापानी और निजबाड़ी के बीच यह हादसा हुआ है। खड़ी गाड़ी को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है। तीन बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मालगाड़ी ने पीछे से आकर ट्रेन में टक्कर मारी और देखिए तीन बोगियां जो हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। दो लोगों की मौत की सूचना इस वक्त प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तीन बोगियां हालांकि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं है। पश्चिम बंगाल में ये बड़ा रेल हादसा जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से आकर टक्कर मारी। एनजेपी से सियालदह ये ट्रेन जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ है। रंगापानी और निजबाड़ी के बीच इस हादसे की तस्वीर को आप देख पा रहे हैं, जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने आकर जोरदार टक्कर मारी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जिसकी तीन बोगियां देखिए बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, दो लोगों की मौत की बात कही जा रही है। रंगापानी और निजबाड़ी के बीच ये हादसा हुआ है जो जानकारी सामने है। और देखिए जो लोग उस वक्त स्थानीय तो आसपास के लोग थे, वो लोग फौरन घटनास्थल की तरफ दौड़े। जो लोग इसमें फंसे हुए थे उनको निकालने का प्रयास किया गया। किशनगंज से हमारे न्यूज 18 संवाददाता आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है, क्या रेस्क्यू जो वहां पर चलाई जा रही थी वो शुरू हो पाई है, नहीं हो पाई है, कितने लोग बताए जा रहे हैं इसमें इंजर्ड? जी देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है सूत्रों के हवाले से। दो आदमी के गंभीर अवस्था में हालत में थी जिनके मौत की सूचना आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। सियालदह जा रही थी ट्रेन एनजीपी से, वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। पीछे से मालगाड़ी के द्वारा ठोकर मारने की बात सामने आ रही है। जी आशीष, चूंकि इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में बिहार के लोगों की तरफ से जो कि बंगाल से सटे हुए इलाकों में अपने व्यवसाय के लिए आवाजाही करते हैं, उनकी मौजूदगी होती है, तो क्या रेलवे की तरफ से कोई जानकारी साझा की जा रही है? जी, रेलवे की तरफ से अभी तक तो फिलहाल कोई साझा नहीं की गई है। वहां से सिलीगुड़ी से किशनगंज बिहार का इलाका है, किशनगंज कटिहार वगैरह के लिए बिजनेस के लिए लोग यहाँ से जाते आते रहते हैं, तो अभी तक की पूरी स्थिति क्लियर नहीं कर पाई है रेलवे और रेस्क्यू के लिए पूरी तैयारी कर रही है जहां तक जानकारी। किस वक्त ये हादसा हुआ है? जी ये हादसा आधा घंटा पहले की घटना है। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रही थी ये ट्रेन जिस दौरान यह हादसे का शिकार हुई। हालांकि बताया जा रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन थी वो अपने ट्रैक पर थी और पीछे से आकर मालगाड़ी ने इस ट्रैक पर पीछे से जबरदस्त टक्कर मारी है। तीन बोगियां इस दौरान क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन जो जानकारी है बताया जा रहा है कि दो लोगों की कैजुअल्टी हुई है, दो लोगों की मौत हुई है। हालांकि घायलों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है।